वार्ड नंबर 25 से खड़े हैं जी। हाँ, विकास का किस मुद्दा को लेकर आप मतलब ये सोचे कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, क्या विकास यानी जो भी सरकारी फंड आएगा हम टोटल जो है ना जनता तक जनता तक पहुँचा देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपका वार्ड में जो प्रतिनिधि जीते हुए थे या फिर जो थे वो विकास किए हैं जितना करना चाहिए था? जी हाँ, विकास किए। वार्ड में विकास हुआ है आपका? हाँ, वार्ड में विकास हुआ है। फिर क्यों लड़ना चाह रहे हैं, फिर चुनाव आप क्यों लड़ना चाहते हैं? यानी जो सबाना खातून थी वो उप वाइस चेयरमैन, हाँ, वाइस चेयरमैन से लड़ रहे हैं, इसलिए सीट खाली हो गई, इसलिए इसलिए आप ले रहे हैं। जी जी जी। क्या लग रहा है, जनता समर्थन देगी पूर्ण रूप से? जी जी, पूर्ण समर्थन मिलेगा। अभी भी नल जल योजना हो या फिर आवास योजना हो, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाता है, तो किस तरह से जनता को सरकारी योजनाओं तक पहुँचाने का काम करेंगे? हमें जो भी मिलेगा हम जनता तक लाकर हर घर पहुँचाएंगे, हर घर योजना उनके द्वारा रहेगा। योजना बनाएंगे। क्या कहेंगे आप? हमारे पिताजी हैं मोहम्मद मेहताब अंसारी, हम उनके पुत्र मोहम्मद सारिफ अंसारी, हम लोग सब समाज लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। हम लोग, हमें यही सबसे गिनती है, निवेदन है कि एक बार सबको मौका मिला, इनको भी मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सब मिलकर एक बार मौका दे, सबको मौका मिला। और हमको लगता है कि फूल बहुमत से जीतेंगे, अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो। ऊपर क्या कहेंगे, कितना लग रहा है कि जनता सपोर्ट करेगी इनको? जनता फुल सपोर्ट इनके में, हम लोग जनता इनको बोली उसके बाद खड़ा हो गया, खड़ा होने वाले नहीं थे, नहीं आप खड़ा होइए, मतलब जनमत से ही ये खड़ा हुए, जनमत से। हाँ, और अब जनता समर्थन देगी। जी जी जी। हाँ।